वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इमदाद खान और आप देख रहे हैं इमदाद व्लॉग। जैसा कि आपको पता है कि हमने हर वक्त आपको बेस्ट प्रोडक्ट दिखाए, आज हमारा वीडियो स्पेशल होने वाली है। आज के वीडियो में हम ईरानी वाटर इंस्टेंट गीजर आपको दिखा देंगे और उनकी ए टू जेड प्रॉपरली हाउ टू फिट रिनाई वाटर इंस्टेंट गीजर। इसमें हमारे पास 10 लीटर है, हमारे पास 15 लीटर है, हमारे पास 18 लीटर है और हमारे पास 22 लीटर। ये आपके सामने ढेर लगे हैं व्यूअर्स, ये आप देख सकते हो कि इसमें हमारे पास मुख्तलिफ साइजेस है और मुख्तलिफ मॉडल है। हमारी वीडियो इस वजह से आज बेस्ट होने वाली जा रही है। जिस तरह हम ईरानी गीजर को सेल आउट कर ले तो उसकी फिटिंग में बहुत लोगों को मसला होता है, तो हमने चाहा कि इन पे प्रॉपरली वीडियो बना दे और आपको पैक करके कोल्ड करके चेक करके दिखा देते हैं। वीडियो में वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें तो मुकम्मल ए टू जेड इन्फॉर्मेट आपको मिलेगा। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमने सैंपल उठाए तो हम आपको सैंपल चेक कर देते हैं। ये हमारे पास इसमें 8 लीटर का ऐसे, ये हमारे पास 15 लीटर है, ये 18 लीटर है। हम प्रॉपरली एक एक गीजर को चेक करके आपको दिखा देते हैं कि किस तरह इनका फंक्शन होता है, किस तरह इनको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। सही है, तो व्यूअर हम इनको कार्टन को ओपन करके आपको दिखा रहे हैं कि ये किस तरह इसमें फंक्शन है। सबसे पहले व्यूअर हम इनको खोल लेते हैं। सही है, आप इससे पट्टी निकालोगे। सही है, जब पट्टी आप निकालोगे और जब भी आपने किसी दुकानदार, मतलब जब आपने लेना है ना, तो ये आप लोगों ने हमें बताना है कि हमें नेचुरल गैस में चाहिए या एलपीजी में चाहिए। सही है, ये देखो घास माया इनमें लिखा होता है। घास माया ये होता है कि एलपीजी के लिए यूज होता है, नेचुरल गैस पे कुछ भी नहीं होता लिखा होता है। तो व्यूअर अभी हम खोल के दिखा देते हैं। ये देखो हमने खोल दिया। सही है, और अभी आपके सामने ईरान से इसी तरह फिटेड में आते हैं, फिटिंग आते हैं। सही, तो अभी व्यूवर्स खोल लेते हैं। ये खोल दिया हमने। सही है, प्रॉपरली ये देखो व्यूवर्स, ये एक आपने निकाल दिया, दूसरा निकाल दिया, ये तीसरा छोटा। सही, ये आपका निकल गया। ये इनका एक्सेसरीज है, वो ए टू जेड सामान है इसका। सही है, अगर आपको मतलब इसमें जो सामान होते हैं प्लग इस निशान पे इन लोगों ने बनाया होता है। सही, अभी ये गीज़र हम उठा लेते हैं। सही, हम प्रॉपरली तीनों गीज़र को खोल करके चेक करके आपको दिखा देते हैं। दूसरा गीज़र अभी निकाल देते हैं। ये हम मेज पे रखते हैं इधर, आपको फिर मेज पे हम चेक आउट कर लेते हैं। ये आपका एक गीज़र हमने ओपन कर दिया, फिर हम प्रॉपरली आपको इनके सामान दिखा देंगे कि इसमें सामान किधर होता है और किस तरह ये आना होता है, सिस्टम आपने किस तरह पैक करना है। ये हमने रख दिया। तो व्यूअर्स, हम दूसरे गीजर की तरफ जाते हैं। 15 लीटर, हर मॉडल पे अपना ही मॉडल लिखा होता है। सही है, B4215 टर्बो साइज है। सही है, आपका तीन वाशरूम, दो वाशरूम करेगा, वो एक ही वाशरूम के लिए होता है, ये दो और तीन वाशरूम आपका करेगा। अभी इनको चेक कर देते हैं। ये देखो मॉडल इधर लिखा होता है ब्रदर, आप लोगों ने अगर भी परचेज करना है तो मॉडल के साथ हमें बता सकते हैं। दूसरा हम अभी खोल के आपको दिखा देते हैं। तो व्यूअर्स, ये हमने सारे आपको डिस्प्ले पे रखा है। सही है, हमारे पास 8 लीटर है, 15 लीटर, 18, 22 लीटर। सही है, ये हमारे पास इनके जो सामान होते हैं व्यूअर्स, ये इधर लगता है, ये इधर लगा। जब भी आपने हीटर गीजर खोलना है, सही है, तो इनके अंदर लगता है, इनको इधर से आप निकालोगे, इसमें इधर लगता है और इसमें इधर लगता है, सामान कार्टन इसके अंदर होता है। तो अभी व्यूअर्स मैं आपको इनकी मुकम्मल ए टू जेड फिटिंग की वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने जब गीजर इसी शेप में आ जाता है, सही है, ये आप सामने आपके साथ लगे कार्टन में हमने जब निकाल दिया तो इसी शेप में आ जाता है। इधर एक स्क्रू लगा है इनका, एक पेट लगा है, आप अगर कैमरामैन हमारा नज़दीक कर ले। ये देखो व्यूअर्स, ये हम खोल लेते हैं पूरी बाड़ी, ये इस एक ही पेच पे इन लोगों ने तामा हुआ है। अभी व्यूअर्स हम, आपने इस तरह प्रेस करना है, देखो नीचे से आप वीडियो इस तरह प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली इसी तरह निकल जाएगा। सबसे पहले तो आपको पता है कि ओरिजिनल कापर है आपका, ईरान का तो नाम ही गापी है, वो मादिनियात से भरा हुआ है। तो व्यूअर्स, हमारा आज का वीडियो सिर्फ इस वजह से है, बाकी इंस्टेंट के बारे में हमने बहुत ज़्यादा वीडियोस किए हैं, हमारा सिर्फ आज का वीडियोस है कि आपको फ़र्क दिखा दे इनमें और फिटिंग का तरीका आपको दिखा दे। आप दूसरे गीजर के पीछे जाते, इनका टैंक आप देख सकते हो, अगर मेरा कैमरा मैन आपको इधर साइड पर दिखा दे सारा कुछ तो आप कह सकते हैं कि बाकी इनकी पाइप्स हैं और जो इनकी एक्सेसरीज इन लोगों ने बनाई है ना, मतलब
हर पार्ट्स बहुत पायदार एक मजबूत सा डिजाइन इन लोगों ने। अभी दूसरे की तरफ जाते हैं ब्रदर, आप अगर आप कैमरा इधर कर लो, ये देखो व्यूअर्स, ये इनका हो गया 15 लीटर, आप देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त है, खूबसूरत। और सेंसर इन लोगों ने लगाया है और हीटिंग के लिए, ये देखो बाड़ी। और हमारे लोकल गीज़र जो होते हैं ना पाकिस्तानी, तो वो ज़्यादा फट जाते हैं ना, लोग कहते हैं कि धमाका कर दिया, वो टैंकी ख़त्म हो जाती। इन लोगों ने सेफ्टी वाल नहीं लगा देते, तो इसमें सेफ्टी सेंसर इन लोगों ने लगाए। तो अभी हमारा मकसद आज की वीडियोस का सिर्फ ये है कि आपको प्रॉपरली एक बेस्ट चीज़ दिखा दे और इनकी फिटिंग के वीडियो आपको दिखा दे। मोस्टली लोग, हमारे लोग समझते नहीं कि हमारा गिलानी गीज़र हम किस तरह फिट करें, तो वो प्रॉपरली हम इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। आपने शॉपर खोल दिया, सही है, तो इसमें इसकी मुकम्मल सामान है। सबसे पहले इनमें बटन जो होते हैं, सही नाब होते हैं, वो नाब आपको हम दिखा रहे हैं। नाब का तो हर किसी को पता है, सिंपल लगाने का तरीका, सही है। आप वो तब लगाओगे जब आप बॉडी बंद करोगे, अभी आप नाब नहीं लगा सकते। तो इनमें इन लोगों ने ये लगाए, सही है। तो कंपनी वाले ने हर प्रॉपरली, मैं एक गीज़र को नीचे रख कर आपको प्रॉपरली इसकी दिखा देता हूँ कि लोगों व्यूवर्स को डेमो का अच्छी तरह पता चले। सामान हम इधर डालते हैं व्यूवर्स, ये आपका सामान है, सही है। जब ये सामान, हमने बटन तो ऑलरेडी आपके लास्ट में आ गए, चार्जर जो है वो भी लास्ट में है, और ये आपने लास्ट पहले लगाना है। सबसे पहले जब आपने ये लगाना है वार्शल, इस वजह से लगाना है कि कोई भी लीकेज का टेंशन ना हो व्यूअर्स। आप ये इनका एन लेट है, आप इजीली इनको इधर फिट कर सकते हो, सही है। मैं इधर करके आपको प्रॉपरली फिट, ये देखो व्यूअर्स, ये आपका एन लेट हो गया। ठंडे पानी का आपको, आप इसको पीछे भी कर सकते हो, उधर भी कर सकते, जिधर भी आप घुमाओगे जिस साइड पे, ये इधर से नहीं घूमेगा, उधर से आप घुमा सकते हो, सही है। और ये हमारे पास अभी आउटलेट का, मैं आपको चेक करा देता हूँ कि आउटलेट का हमारे पास, इन लोगों ने वो भी आपको चेक कर लेता हूँ। तो आउटलेट लास्ट में आपको दिखा दूंगा। ये हमारे पास इसका गैस का है व्यूअर्स, तो आपने वार्शल ज़रूर इसमें लगाना है। और ये आपका इधर आ गया गैस पे, ये आपका गैस आ गया, आपका ये गैस आ गया। ये हमारे पास जो है ब्रदर, ये स्क्रू, ये जब आपने फिटिंग करना है दीवार में, ये हर चीज़ इन लोगों ने इस वजह से दिया कि आपने पाइप को टेट करना या गैस इन पे आप लगा दे के मतलब। तो व्यूअर्स, हम अभी आपको जो इनका इन लेट होता है ना ठंडे पानी का, वो आपको लगाने लगाते। आपने जस्ट ओनली इधर, आपने ये इनका आउटपुट है, सही है। इसमें एक और चीज़ इन लोगों ने ऐड किया है, खुदा ना खास्ता आप इससे नलका दे रहे हो, सही है, तो आप इजीली इनको इधर फिट कर सकते हैं। इसमें कमाल ये है कि ये आपके जो गर्म पानी है और ठंडा पानी जो है, आप इधर से ठंडे पानी इसको इनको बंद पी कर सकते हो, सही है। मतलब आपको पानी नहीं चाहिए तो आप इधर से ही बंद कर सकते हो। इन लोगों ने वाल लगाए, आप ये ठंडे पानी में भी लगा सकते हो, गर्म पानी में भी लगा सकते हो। ये मुकम्मल ए टू जेड इनका तरीका है। ये पहले ये इनका इनलेट है, ये इनका आउटपुट है, ये इनका गैस है, सही है। ये लास्ट पे हम आपको ये गीज़र बंद करके दिखा रहे थे। ये फ़िल्टर आपने ज़रूर इधर लगाना है, सही है, जब आपने दूसरा इससे कनेक्शन लेना है, या आपने ठंडे पानी का जो आपने कनेक्शन दिया है इसके दरमियान आपने ये ज़रूर फिट करना है। यही इनका ए टू जेड प्रोसेस है। बाकी ये इसका जो स्क्रू है, सारा कुछ वैसी दीवार में आप फिट कर सकते हैं। और बाकी लास्ट में ये इनका चार्जर है, सही है। इनमें कमाल ये है कि आप एक बैटरी से भी लगा सकते हो और सेल से भी लगा सकते हो। अगर खुदा ना खासा आपके सेल की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप इनको सिंपल इजी इसमें लगा सकते हैं। ये देखो, ये आपका मुकम्मल तरीका हुआ। अभी जो बटन लास्ट में हमारे पास रह गए ना, बटन तब आपने बंद करना है जब आप प्रॉपरली गीज़र को मुकम्मल फिट कर लें। तो लास्ट में इनके वो लास्ट, ये दो कुंडी है देखो, इसमें आपने डालना है। ये देखो व्यूअर्स, आपको सिंपल अगर हमारा कैमरा मैन दिखा रहे, ये देखो व्यूअर्स, ये इधर इनके ये क्लिप भी है, सही है। इनके क्लिप पे आपको नज़र आ रहे हैं व्यूअर्स,
तो ये क्लिप आपने लगाना, देखो ये इसमें लग गया और ये इसमें लग गया। अभी हमारे पास इधर आपने, मैंने पहले ही बताया कि ये सारा एक ही स्क्रू पे, एक ही पेच पे ओपन हो जाते हैं। आपने इधर ये फिर लगाना है। अभी देखो जब आपने ये मुकम्मल बंद कर दिया व्यूअर्स, तो उसके बाद जो बटन हमारे पास रहते हैं ना, वो बटन हमने इधर लगाने हैं। ये देखो ये आपका इधर आ गया और ये आपका इधर आ गया। ये अभी मुकम्मल, ये गीज़र मुकम्मल चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये खुदा ना खास्ता अगर आप 8 लीटर हमसे लेते हो, अगर आप 18 लीटर लेते हो, अगर आप 22 लीटर लेते, जो गीज़र आपने है, सारा मुकम्मल ए टू जेड का प्रोसेस है। सही है, ये अभी आपका ठंडे गर्म पानी आएगा, ये आपने ठंडा पानी देना है, ये आपका गैस हुआ, ये मुकम्मल ए टू जेड ईरानी वाटर इंस्टेंट का ए टू जेड लगाने का तरीका था। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन बटन ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।